आपका मेरे चैनल फूड कट्टा पे फिर से स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं भरवा बैगन। तो उसके लिए लगने वाली सामग्री है, प्याज लिया है हमने, एक बड़ा प्याज है, और ये मसाले लिए हैं, इसमें सिंगदाना है, तिल है, जीरा है, खसखस है, ये जावित्री फूल है, मीरा, ये तेज पत्ता लिया है हमने, एक विलायची, हरी विलायची ली है, और ये दालचीनी ली है, लौंग, ये दगड़ फूल, ये बड़ी इलायची और सिंगदाना लिया है, तो पहले ही बताया, और ये लिया है स्टार फूल। तो ये सभी मसाले हमने लिए है, लेकिन सब मसालों को हमने थोड़ा थोड़ा ही लिया है, ज्यादा नहीं डालना है। कम से कम हमको 8-10 बैगन बनाने हैं, उसके लिए हमने इतना मसाला लिया है। अब हमने इसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, और ये है कसूरी मेथी, और गरम मसाला पाउडर, और अदरक लहसुन का पेस्ट, ये सब हमने इतना सामग्री ली है। अब हमको मसालों को भून लेना है अच्छी तरह से। अभी मुझे ये हर मसाले हम गरम कर लेंगे, भून लेंगे अच्छी तरह से। मसाले की क्वांटिटी कम है, इसलिए हम एक साथ ही सब भून लेंगे। अच्छी तरह से मसाले को हम भून लेते हैं। हमारे मसाले भून चुके हैं, अब सभी मसालों को हम मिक्सचर जार में निकाल देंगे। इसको हमको ड्राई पीसना है, इसलिए हम इसको अलग से पीसेंगे। अभी हम प्याज भून लेते हैं। अभी हमने थोड़ा सा ऑयल डाला है इसमें, और अच्छा सा ब्राउन होने तक प्याज को भून लेते हैं। अब हमारा ये प्याज भून कर तैयार है, अब हम इसको पीस लेंगे, थोड़ा सा ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद मिक्सर जार में एक एक करके सभी मसालों को डालेंगे और पीस लेंगे। मिक्सर जार में हमने प्याज को लिया है, ये जो हमने ड्राई मसाला पीसा था उसको भी लेते हैं इसी में। ये गरम मसाला, कम से कम ये गरम मसाला हमने 1 टीस्पून लिया है, 2 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट, 1 लाल मिर्च पाउडर, ये छोटा स्पून है इससे हम लेते हैं, छोटे 4 चम्मच। आप स्वाद अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, नमक स्वाद अनुसार, और ये कसूरी मेथी 1 टीस्पून। ये सभी मसालों को हम अच्छा महीन पीसेंगे। हमारा मसाला पीस कर एकदम रेडी है। अब हम गैस पर कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई में तेल डालेंगे, कम से कम 2 बड़े चम्मच हमने तेल लिया है।
ऑयल थोड़ा गर्म होता है। बैगन को हम अच्छी तरह से चेक कर लेते हैं कहीं कीड़ा ना हो इसमें। अच्छी तरह से सभी बैगन को हम काट लेते हैं। सभी बैगन काट कर तैयार है। ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें मसाला भरेंगे। मसाला भर के हम एक एक छोड़ते जाएंगे बैगन को ऑयल में। सभी मसाला बैगन को हमने मसाला भरकर इसमें डाल दिया है ऑयल में। अब हम अच्छी तरह से इसको ऑयल में पकने देंगे तेल छूटने तक। जो मसाला बचा था हमारा वो भी इसमें डाल देंगे। अच्छी तरह से चला देंगे। ऊपर से एक टोमेटो हम बारीक काट के डालेंगे, एकदम महीन बारीक काटेंगे। महीन चॉप किया है हमने, इसी के ऊपर डाल देंगे। इसको चेक कर लेते हैं, अच्छी तरह से देख लेते हैं। हाँ, एकदम ऑयल छूट चुका है। कितना मस्त लग रहा है ये देखिए। देखने से ही पता चलता है कितना टेस्टी बना है। ऊपर से हम इसको थोड़ा सा पकने के लिए ये जो मसाला पीसा था उसका पानी छोड़ देते। अब और इसको 10 मिनट पकने के लिए छोड़ देते हैं बैगन गलने तक। अब हम चेक करते हैं बैगन हमारा पककर तैयार है। वाव, मस्त गल चुका है हमारा बैगन, एकदम मस्त लग रहा है। अब हम इसमें ऊपर से धनिया डालेंगे। अच्छे से धोकर चॉप किया है हमने। बस गैस बंद कर देंगे। कितना सुंदर लग रहा है देखिए। अब हम इसको सर्व करेंगे। ग्रेवी का कलर देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। बैगन भी अच्छी तरह से पककर एकदम रेडी है। हमारी डिश बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। आप इसको रोटी के साथ खा सकते हैं, पूरी के साथ खा सकते हैं, चावल के साथ खा सकते हैं। एकदम मस्त बनके तैयार है। आपको मेरा ये डिश भरवा बैगन पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।